इंदौर में काजगीर ट्रस्ट की संपत्तियों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद संपत्तियों को कब्जे में लेने की शासन की कवायद शुरू हो गई है। ट्रस्ट द्वारा बेची गई संपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है। इन संपत्तियों को कब और कितने में बेचा गया इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इधर ट्रस्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। उधर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविट दायर की है ताकि उसका पक्ष सुने बगैर ट्रस्ट का कोई राहत नहीं मिल सके। कानून के जानकारों के मुताबिक ट्रस्ट के पास हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष रिव्यू पिटीशन दायर करने का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि रिव्यू पिटीशन में राहत मिलेगी इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिव्यू की सुनवाई वही बेंच करती है जिसने फैसला दिया है। वहीं इंदौर के सांवेर में एक चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जनता की संपत्ति अब जनता के पास रहेगी और पूरे मामले में जांच होगी। जो खासगी ट्रस्ट को देखरेख के लिए दी गई थी उनका मालिकाना हक जो है वो मध्य प्रदेश शासन का रहा है और 1948 के अंदर ही यह चीज जो है क्लियर हो चुकी थी कि ये संपत्तियां मध्य प्रदेश शासन के अंदर व्यवस्थित रहेंगी। उसके बाद जो ट्रस्ट डीड थी, जो मुख्य ट्रस्ट डीड थी 1962 की, उस ट्रस्ट डीड के अंदर भी यही लिखा हुआ था कि ये संपत्तियां हमेशा शासन में व्यवस्थित रहेंगी। शासन द्वारा कभी भी इन संपत्तियों का जो मालिकाना हक है वो ट्रस्ट को नहीं दिया गया था। इसलिए ट्रस्ट ने जितनी भी संपत्तियां बेची हैं वो अवैधानिक रूप से बेची है और ट्रस्ट को ऐसा कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने खासगी ट्रस्ट की संपत्ति खुर्द बुर्द ना हो उसकी जांच के लिए मुझे चिट्ठी लिखी और उसी चिट्ठी पर मैंने कार्रवाई शुरू की थी। बताइए, आपने जो पत्र लिखा था वो सफलीभूत हुआ है। सरकार हाईकोर्ट में गई और हमने तय किया कि खासगी ट्रस्ट की हजारों करोड़ की संपत्ति को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे, वो जनता की संपत्ति है। परमानी उच्च न्यायालय का फैसला अपने पक्ष में आया है, उसको करवाने वाली सुप्रीम ताई जी जरा दोनों हाथ में उठा के पहले बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और ताई जी, मैं आपको और इंदौर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, अब खासगी ट्रस्ट की संपत्ति जनता की संपत्ति है, उसको खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। जिसने गड़बड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।